फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग कोर्सेज के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट को अपना करियर एज ए टीचर सेट करना है तो उसके लिए उसे क्या कोर्स में एडमिशन लेना होगा, क्या प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे JBT या फिर DLED के बारे में, BED के बारे में, MED के बारे में, TGT क्या होता है, PGT क्या होता है और NTT क्या होता है। और हम बात करेंगे इनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितने ईयर आपको किस कोर्स में देने होंगे और अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो कैसे आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाएंगे और उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो कुछ इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बात करें DLED या JBT की, ये 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है जिसे करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके 12th के मार्क्स। आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलती है और आपको कॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ना के बराबर है और प्राइवेट कॉलेज में आपको 30,000 से 35,000 पर ईयर देने होंगे। 2 ईयर का कोर्स है तो 30,000 पर ईयर, तो टोटल 60,000 के लमसम आपको देने होते हैं। अगर इसके बेनिफिट की बात की जाए तो आप JBT करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप कॉरेस्पोंडेंस से जैसे इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी में, इन ओपन यूनिवर्सिटी में आप क्या कर सकते हैं, BED के फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ से आपकी कॉरेस्पोंडेंस से BED भी साथ की साथ हो जाएगी। ये मैंने कुछ गवर्नमेंट डाइट की लिस्ट दी है, वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं कि किस डाइट में कितनी सीट अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं BED की। BED करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वे है, पहले आप 12th के बाद करें। 12th के बाद जब आप करते हैं तो ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, प्लस में MET यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। सेकंड वे है, आप क्या करें, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद BED के लिए अप्लाई करें। जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद BED के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 2 ईयर का कोर्स होता है। तो इसका बेनिफिट क्या है BA प्लस BED साथ साथ करने का? देखो, BA प्लस BED अगर जो आप साथ साथ करते हैं तो इसमें क्या होता है, BA प्लस BED जैसे ही आपने की तो पहला तो 4 साल का ड्यूरेशन हो गया, अगर आप ग्रेजुएशन करके करेंगे तो 3 साल का, तो ग्रेजुएशन प्लस BED के 2 साल, तो वो टोटल हो गए 5 साल। एक और बेनिफिट क्या है, अगर आप BA BED करते हैं सीधा 12th के बाद, तो आप जैसे ही थर्ड ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, तो आप CTET क्लियर करके आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपका 12th के बाद BA प्लस BED प्रोग्राम लेने का। BED करने के बाद आप TGT टीचर बन जाते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसके बाद आप 10th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप BED करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और साथ में क्या है, आपकी फ़ीस लगेगी अप टू 50,000। जामिया मिलिया इस्लामिया से आप करते हैं तो आपकी फ़ीस लगभग 15,000 के आसपास होती है, और BTEC से भी बच्चे क्या कर सकते हैं, BED कर सकते हैं। अगर आप BTEC की है और उसके बाद आप BED करना चाहते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा और एक लैंग्वेज, या फिर आप दोनों सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट होंगे मैथ और साइंस। लैंग्वेज अगर जो आपको चूज़ करनी है तो आप लैंग्वेज सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं, वो है इंग्लिश। ये मैंने BTEC वाले बच्चों के लिए बताया। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BED करना चाहते हैं तो उसमें आपकी जो फ़ीस है वो लगभग 80 से 1 लाख तक हो जाती है, डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप जा रहे हैं और वो आपसे कितनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। MED की बात करें तो मास्टर ऑफ एजुकेशन होता है, आपने सुना होगा PGT टीचर या फिर 11th या 12th को पढ़ाने वाले टीचर। PGT माने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये 1 ईयर का कोर्स होता है जिसे आप ग्रेजुएशन मतलब BED के बाद आप कर सकते हैं या फिर मास्टर डिग्री होने के बाद MED कर सकते हैं। MED करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जैसे कि स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं कुछ एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको क्रैक करने होंगे, उसके बाद आपको क्या है MED में एडमिशन मिलेगा। और लास्ट में हम बात करते हैं UGC नेट के बारे में। अगर आपको बनना है प्रोफेसर या फिर लेक्चरर किसी कॉलेज में आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे,
किसी कॉलेज या फिर लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।